नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से 3 नंबर की हेल्प से श्री हनुमान जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपको इस तरह 1 3 नंबर आसानी से लिखना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे नीचे के साइड में लाइन ड्रॉ करिए, फिर इधर भी आप ऐसे नीचे के साइड में लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप इधर भी आसानी से ड्रॉ कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमें इसको डबल करना होगा, यहाँ से आप आसानी से डबल कर देंगे। और गाइस, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप एक आर्क लगाएंगे, इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद दोस्तों ऊपर से आप इधर से ऊपर बढ़ाइए और इसको यहाँ से यूँ नीचे मिला दीजिएगा। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करिए, इसको भी आप आसानी से मिला दीजिए। एक वी लेटर लिखिएगा, फिर एक पतला सा उल्टा वी लेटर लिख देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर वी लेटर लिखते जाना है। तो लास्ट तक आप इधर ऐसे कर बना देंगे, सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर दीजिएगा। ये यहाँ तक ऐसे हो गया। और गाइज, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हनुमान जी किसके बहुत ज़्यादा भक्त थे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हल्का सा इसको बढ़ा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप इधर ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ते हुए इधर से बढ़ाइए और इसको यहाँ पे ऐसे करिए। फिर दोस्तों इधर आप बीच में हल्का सा अंदर करेंगे और यहाँ से यूँ ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद नीचे के साइड में ऐसे कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इधर ऐसे बनाएंगे, फिर ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ करके इसको ऐसे अंदर के साइड में कर दीजिएगा। अब यहीं से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर के साइड में इधर ऐसे करेंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा दोस्तों, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए इधर बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना है हनुमान जी का आई, तो आप इधर अंदर के साइड में आई बना दीजिएगा। ये इधर ऐसे करेंगे, इस साइड भी आप ऐसे करिएगा। और गाइस, कमेंट बॉक्स में जाकर श्री हनुमान जी की जय जरूर लिखिएगा दोस्तों। बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इधर से हम बना देंगे इनका ईयर, इस साइड भी आप ऐसे ईयर बनाइए। ईयर बनाने के बाद यहाँ पर आप छोटे छोटे ऐसे सर्कल बना दीजिए। ये हो गया। अब दोस्तों यहीं से आप ऐसे ऊपर नीचे करते हुए इनकी दाढ़ी बना दीजिएगा, यहाँ पर मिलाएंगे। और इस साइड से दोस्तों इनका हेयर बना दीजिए, तो आप इधर ऐसे करिए, फिर इधर से भी आप ऐसे आगे के साइड में बढ़ाते जाइएगा। यहाँ से दोस्तों आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ करते हुए आगे के साइड में बढ़ाइए पहले। फिर क्या करना है दोस्तों, इधर से ऐसे मिलाइएगा, इसको हम डबल कर देंगे। तो इसको आसानी से आप डबल करिए। डबल करने के बाद दोस्तों इधर से आप लाइन ड्रॉ करिएगा, इस साइड भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, नीचे के साइड में ऐसे करिए और यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे आर्क बनाते जाइएगा। इधर भी आप सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा पास पास में कर दीजिए। ये हो गया। तो गाइज, ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से बन गए हैं हनुमान जी का चित्र। आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बहुत ही आसानी से हनुमान जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।